नमस्कार, सुरेंद्र सोनी मिर्जा हिंदुस्तानी के साथ। कहते हैं सियासत में कुछ भी नाजायज नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे विधायक सारी हदें पार कर देते हैं। विधानसभा में ऐसी मांग बुलंद कर लेते हैं और फिर उन मांगों को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि जनाब हद कर दी आपने। इन दिनों राजस्थान की मरुधरा में विधायकों के द्वारा ऐसी बयानबाजी सुर्खियों में आ जाती है जिससे सुनते ही सियासत गर्म हो जाती है। कुछ माह पहले राजस्थान में विधायकों के खरीद फरोख्त का जिन्न पैदा हो गया था। उस जिन्न को जैसे तैसे खामोश किया, सूबे में फिर से पतझड़ का मौसम आ गया। उसके बाद राजस्थान की मरुधरा और सूबे में और सूबे की विधानसभा में ऐसे बयान फिर जिन्न की तरह खड़े हो गए कि सूबे की राजनीति में फिर से गर्मी की लहर आ गई। बात करते हैं डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा का बयान, जिसमें वह बोल रहे हैं कि आदिवासी को उनका अधिकार नहीं मिल रहे हैं। मांग हमारे लंबे समय से आई हुए, हमारी संस्कृति अलग है, हमारी परंपरा अलग है, हमारा खान पान अलग है, हमारी रीति रिवाज अलग है। तो मैं सदन के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि हमारा आदिवासी धर्म कोड अलग से दर्शाया जाए। ये हमारे मोदी जी और इनके ये मोहन भागवत जी हमको आदिवासी के नहीं, हम हिंदू है, यूं कहने हमारे हिंदू से संस्कृति कोई मिलती जुलती नहीं। हमारे मौत मरण में हमारी प्रथा अलग है, शादी ब्याह में हमारे अलग है। हम प्रकृति पूजक हैं, हम नदी को पूजते हैं, पहाड़ को पूजते हैं और हम बैल को पूजते हैं, गाय को पूजते हैं। हमारी संस्कृति एकदम अलग है। और ये RSS वाले लोग हमको कहते हैं कि आदिवासी हिंदू है, हम हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं है। और आज भी हमारा हिंदू के नाम से हमारा शोषण हो रहा है। हमको खाली अरे बैठो आप बैठो, जो मोहन भागवत जी जो भाषण कर रहे हैं कि आदिवासी हिंदू है, अरे हम थोपना हमारे थोपो मत, आप हमारे पे हिंदू धर्म थोपो मत। हम आदिवासी, हमारा कल्चर अलग है, हमारी भाषा अलग है, हमारी शैली अलग है। हम इस हिंदू नहीं मानते, हम अपने आप में अलग है। आदिवासी हमारा धर्म कोड अलग होना चाहिए, ये हमारी मांग है। हमारे TSP एरिया की से पूरे आदिवासी पूरे देश की मांग है, ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूं। इसलिए उनके लिए अलग से राज्य बना दिया जाए। फिर उन्होंने दूसरा बयान दिया कि आदिवासी हिंदू नहीं है, उनकी परंपरा बिल्कुल अलग है, वह प्रकृति के पूजक हैं। ऐसे बयानबाजी से विपक्ष ने पूरे राजस्थान में सियासी पारे में गर्मी पैदा कर दी और गुलाबचंद कटारिया से लेकर राजेंद्र राठौड़, सुशील कटारा, चुन्नीलाल गरासिया, घाटोल विधायक हरेंद्र नीलामा, सांसद कनकमल कटारा और वहीं बात करें तो डूंगरपुर बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता ने गणेश घोगरा के बयानों की घोर निंदा की। फिर क्या था साहब, बीजेपी पार्टी में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर चल पड़ा और विपक्ष में बैठी बीजेपी गर्म तवे पर अपनी रोटियां सेकने लगी। वहीं बात करें जिला मुख्यालय पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने जोरदार हमला बोला। जनता के हित में प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियां और विरोध प्रदर्शन सड़कों पर भी देखने को मिला। वहीं डूंगरपुर के भाजपा जिला अध्यक्ष, नगर सभापति और पूर्व जिला प्रमुख ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए धर्म जाति जमीन को लेकर डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा पर कटाक्ष करते नजर आए। कई बीजेपी नेताओं ने तो गणेश घोगरा को अपना नाम बदलने तक के भी बयान दे दिए। लेकिन यहाँ पर सबसे खास बात, गणेश घोगरा कांग्रेस पार्टी से आते हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा इस बयान पर चुप्पी साध ली जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 20 इंडिया। विधानसभा में सत्र के दरमियान में जो भी डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक गणेश घोगरा का कहना हुआ कि हम आदिवासी हैं, हम हिंदू नहीं आदिवासी कहना हुआ, पर हमारा कहना यह है कि कुछ समय के पहले ये प्रदेश अध्यक्ष बनकर आए उस समय दरियाडी और छिकली किस सभाओं में इन्होंने संबोधित किया कि हम सनातन से समय से ही हम हिंदू धर्म है और हम हिंदू थे और हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे, यूं कहा था इन्होंने। हम राम भगवान को मानने वाले हैं, हम सती सुरमाल को मानने वाले हैं, हम भगवती महाराज को मानने वाले हैं और हमारे लोग यहाँ पर राजस्थान की अशोक गहलोत की कांग्रेस की सरकार कितने 2.5 साल से राजस्थान में अपना राज कर रही है और इस सरकार के इस 2.5 साल के कार्यकाल में राजस्थान का समाज का प्रत्येक वर्ग नाराज है।
युवा नाराज है, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जिसने वादा किया था कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे सरकारी नौकरियां देंगे। और ऐसा है, टाउन प्लानिंग जो टाउनशिप है वो तो लागू करनी ही है, शहर का विस्तार होना ही है, और ये जो जमीन है वो नगर परिषद को आवंटित की हुई है, बिल्कुल इस पर कोई काबिज भी नहीं है, लेकिन अनावश्यक रूप से राजनीतिक अखाड़ा बनाने के प्रयास है, और शहर का विस्तार तो होना है, हर शहर में होगा,